वो शख्स जिसके नाम से खौफ में है लोग, जिसके काम से फैलती है दहशत, जो करता है इंसानियत पर वार, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर करता है राज, वो है दाऊद इब्राहिम, जिसका जिक्र हमेशा जुर्म को अंजाम देने, वारदात को फैलाने और नापाक साजिशों से दुनिया को दहलाने के लिए किया जाता है। लेकिन आज चर्चा पाप की नहीं बल्कि डॉन के दी एंड पर हो रही है। खबर है कि किसी ने उसे जहर देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। नमस्कार, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कहते हैं कि दुनिया में दुश्मन केवल दो ही लोगों के होते हैं, या तो कोई ज्यादा अच्छा होता है या फिर कोई जुर्म की दुनिया का बादशाह होता है, और दाऊद इब्राहिम भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग है, इसलिए उसके दुश्मन की गिनती नहीं की जा सकती। ये पता नहीं लगाया जा सकता कि डॉन का खात्मा करने के लिए किसने उसे जहर दिया होगा, लेकिन जो कहानी सोशल मीडिया और तमाम चैनल से सामने आ रही है, आइए वो हम आपको बताते हैं। क्या दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दे दिया गया है? ये वो सवाल है जो दुनिया के कोने कोने में पूछा जा रहा है। पाकिस्तान की एक पत्रकार ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम को किसी अज्ञात शख्स ने जहर दे दिया है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी दाऊद की मौत के दावे किए जा रहे हैं। इस खबर में देश के हर नागरिक को काफी दिलचस्पी है, क्योंकि दाऊद भारत का दुश्मन नंबर वन है। तो क्या वाकई दाऊद का दी एंड हो गया है? क्या दाऊद को जहर देकर जान से मारने की कोशिश हुई है? सवाल तो कई हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं है। पाकिस्तान में इतने साल तक जो अभेद किला बनाकर रह रहा है, उसका कोई दुश्मन उसके पास कैसे पहुंच सकता है? जिसके पास पाकिस्तान के मंत्रियों से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा का पहरा होता है, उसको कोई कैसे जहर दे सकता है? इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है या फिर मर चुका है, और अगर दाऊद के मरने की खबर सच भी है तो दाऊद को किसने मारा है? सूत्रों ने बताया कि दाऊद दो दिनों से अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि दाऊद को अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है और वो अपने फ्लोर पर एकमात्र मरीज है। केवल शीर्ष अस्पताल अधिकारियों और उसके करीबी परिवार के सदस्यों की वहां तक जाने की अनुमति है। मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में उसके रिश्तेदार अली शाह पारकर और साजिद वाकले से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। जनवरी में दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दूसरी शादी करने के बाद कराची में रहता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दाऊद की मौत की खबरें सामने आई थी। साल 2016 में गैंग्रीन से मौत की खबर आई थी। इसके बाद साल 2017 में दिल का दौरा पड़ने से मौत की अफवाह उड़ी थी। फिर साल 2020 में कोरोना से दाऊद के मरने की खबर उड़ी और 3 साल बाद यानी 2023 में जहर देकर मारने की खबर आई है। इस बार भी खबर सच होगी या महज एक अफवाह, इसकी पुष्टि में वक्त लगेगा। अब दाऊद के दी एंड की कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन दाऊद के डॉन बनने की कहानी तो पूरी तरह से सच्ची है। तो आगे हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे माया नगरी से निकलकर दाऊद जुर्म की नगर में पहुंच गया, कैसे उसने अपने जुर्म की एक अलग दुनिया बनाई और कैसे उसने भारत को दहलाने की कोशिश की और कैसे वो पाक की पनाह में देता है वारदात को अंजाम। दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव में कोंकणी मुस्लिम परिवार दाऊद इब्राहिम का यहां पर जन्म हुआ। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद का बचपन सेंट्रल मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता और बाद में यही इलाका दाऊद इब्राहिम की गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र बन गया। कम उम्र में दाऊद ने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी करने लगा। इसी दौरान उस वक्त के मुंबई के डॉन हाजी मस्तान के गैंग में उसको संपर्क में आया। साल 1970 में दाऊद ने अपनी डी कंपनी बनाई और वही डी कंपनी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, हथियारों के तस्करी जैसे संगठित अपराध का केंद्र है। दाऊद ने डी कंपनी में अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को शामिल किया और तस्करी करने लगा। जल्द ही दाऊद ने अपराध का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया, जिसमें ड्रग तस्करी, विवादित जमीन कब्जाना और निर्माण कार्य, हवाला कारोबार और विवादित बिजनेस डील में मध्यस्थता जैसे काम शामिल थे। इसके अलावा दाऊद ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को भी बढ़ावा दिया। आपको यह भी बता दें कि फिल्मों को फाइनेंसिंग भी उसने की। साल 1986 में दाऊद ने अपने बेस मुंबई से शिफ्ट करके दुबई में बना लिया।
जिसके बाद दाऊद की डी कंपनी हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी आदि गैर कानूनी धंधों को बड़े पैमाने पर करने लगी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने की घटना आपको याद होगी। मस्जिद ढहाने की घटना के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। एस हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे के अनुसार इन दंगों के बाद दाऊद पर दंगे का बदला लेने का दबाव डाले जाने लगा। इसके बाद ही दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रची। साजिश के तहत साल 1993 में मुंबई में कई जगह धमाके हुए जिसमें 257 लोग मारे गए। इन धमाकों ने दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया और फिर दाऊद कभी भारत नहीं लौटा। कहा जाने लगा कि दाऊद इसके बाद पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। ये हमले यहीं नहीं रुके। साल 2008 में मुंबई हमलों के लिए दाऊद को जिम्मेदार माना गया क्योंकि पाकिस्तान में दाऊद के वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से करीबी संबंध बन गए थे। कई खुफिया सूचनाओं से पता चला कि मुंबई हमले के लिए दाऊद के डी कंपनी ने ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम भी उसी ने किया था। इस हमले में 173 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी सरकार का दावा है कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अलकायदा से भी संबंध थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया और कई देशों में उससे संबंधित संपत्तियों को जब्त किया गया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम दुनिया के सर्वकालिक सबसे खतरनाक गैंगस्टर में शामिल है और साल 2015 में उसकी संपत्ति $6.7 अरब आंकी गई थी। दाऊद इब्राहिम को अरसे से पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है कि अंडरवर्ल्ड सरगना को जहर दिया गया है या नहीं। हालांकि वो उसके हाल में अस्पताल में भर्ती होने की खबर को स्वीकार करती है। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में जिंदगी और मौत के बीच झूलने की अपुष्ट खबरों के मद्देनजर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। अब देखना होगा कि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।